दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ शॉप से जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। दोस्तों बात करूं सेफ शॉप से पहले की, मेरा नाम अंजनी कुमार झा, समस्तीपुर से ही हूं। बहुत साधारण परिवार में जन्म हुआ। पिताजी चीनी मिल में सरकारी नौकरी करते थे। कुछ होश संभालने के बाद मेरा एडमिशन समस्तीपुर स्कूल में हो गया था। मैं पिताजी के साथ साइकिल से उस प्राइवेट स्कूल में जाता। दूसरे क्लास से पांचवा आधा तक मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा। आधा के बाद सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए चला गया। धीरे धीरे मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के दरमियान आमदनी काफ़ी कम हो गई पिताजी की, चूँकि उस एज में चले गए थे। हम छः भाई बहन थे, परिवार का चलना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो इन्होंने जवाबदेही हम सभी भाइयों को दिया कि भाई अब लोग तुमको कुछ करना पड़ेगा, इस परिवार ऐसे तो चल नहीं सकता। तो मैं मैट्रिक में पढ़ता था और आठवां क्लास के स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाता था, और पढ़ा करके पढ़ने का सिलसिला कुछ दिन तक चला। इंटर किया, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां हुई जिसके बाद आगे की पढ़ाई मेरा हो नहीं पाया। मैं बड़ा होता चला गया, कुछ काम करता चला गया। काम करने के दरमियान मैं जब कहीं बाहर हमसे कोई पूछते कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो बड़ी शर्म आती थी कि बेटा बोलता था इंटर और हम भी बोलते थे इंटर। तो सोचा कि नहीं, अब इज्जत बचाने के लिए तो एक सरकारी कॉलेज से मैंने बीएससी का डिग्री ले लिया। अब कोई भी पूछता मैं बोलता मैं ग्रेजुएट हूं। उसके बाद कुछ दिन के बाद ट्यूशन पढ़ाना भी बंद हो गया। एक कंपनी उस समय में तो लगा नहीं, हमको लगा कि बहुत बढ़िया कंपनी है, उसमें मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के साथ कुछ दिन के बाद वो कंपनी मुझे धोखा दे दी, और उस कंपनी में मेरे पास इतना लेबिलिटी हो गया और गांव समाज और अपने यहाँ के तगादा की वजह से मुझे अपने घर को छोड़ करके मुजफ्फरपुर जा करके ऑटो चलाना पड़ा। ऑटो लेने की भी मेरी अकेले की औकात नहीं थी, तो मैंने एक पार्टनर सेट किया और 13,500 में एक दिग्घी कला हाजीपुर से ऑटो खरीदा, मुजफ्फरपुर जा करके उसको चलाने लगा। लगभग 8 महीना उस ऑटो को चलाया। चलाने के बाद अचानक मेरे घर में एक फंक्शन था, जब मैं वहाँ से आया मुजफ्फरपुर का सारा क्वार्टर का सामान चोरी हो गया। मैं उस ऑटो को लेकर के समस्तीपुर आ गया। कुछ दिन तक यहाँ चलाने के बाद लगा कि नहीं, मेरे पिताजी का प्रतिष्ठा इसमें जा रहा, तो मैं एक डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर बन गया। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज वाकई मैं यहाँ हूँ। आज जो भी मेरा सर्किल, जो पहचान मेरा मिला, आज संयोग से हमारे डॉक्टर साहब भी हमारे सामने बैठे हैं, डॉक्टर यूएस प्रसाद। थैंक यू सर। और मैं वहाँ कंपाउंडर बन गया। मैडम डॉक्टर श्रीमती मंजुला, उनके यहाँ मेरा काम चल रहा है। 10 साल मैंने उस काम को किया, जहाँ मेरा काम था अपने कंपाउंडर में इंजेक्शन और पानी लगाने के अलावा कार साफ करना, बच्चे को स्कूल पहुँचाना, घर के लिए सब्जी लाना, कभी गैस खत्म हो जाए उसका इंतजाम करना, और जब सारे कंपाउंडर छुट्टी में घर जाते और डॉक्टर साहब को पटना जाना होता तो मैं कार चला करके पटना जाया करता था। जिंदगी में कभी लगी नहीं मेरे घर में भी अपनी कार हो सकती है, सपनों में मैंने सोचा नहीं। 10 साल तक मैंने उस काम को किया। उसके बाद मैं एक नर्सिंग होम खोल दिया रोसरा में जाकर के, हालांकि उसमें लाखों का नुकसान हो गया, क्योंकि जिन डॉक्टर साहब के भरोसा पर खोला वो डॉक्टर साहब दगा दे गए, उनका ट्रांसफर हो गया, और जब दूसरे को बुला के लाए तो उनके साथ फिर कुछ चला नहीं, लाखों का नुकसान हुआ। मैं वहां से वापस आ गया तो कुछ पिकअप एसी मालवाहक गाड़ी चलवाने का काम किया। कहीं कोई काम करता चला जाता, जितने ऊंचाई पे जाना चाहता, लेकिन उतने दलदल में मैं फंसता चला गया। और उसके बाद मैं LIC को ज्वाइन कर लिया। LIC में मेरी पहचान अच्छी थी, चूंकि डॉक्टर साहब के यहाँ कंपाउंडर थे और वहां से मेरा एक अच्छा सर्किल मिला था। जब मैं बीमा एजेंट बना तो उस सर्किल का फायदा मुझे मिलने लगा और मैं LIC में तेजी और तरक्की लेने लगा। और उस समय में मैं 2007 में ज्वाइन किया था। 7 साल अथक मेहनत करने के बाद मैं लगातार DM क्लब मेंबर बनता चला गया। अपने लेवल के हिसाब से मेरी आमदनी 2014 में लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये महीने की थी। अब मुझे लगा कि मैं तो करोड़पति बन गया, क्योंकि मैं वैसे परिवार से था। अभी मेरे पिताजी सामने में बैठे हैं, इनका पेंशन महीने का 930 रुपया 7वां वेतन लगने के बाद। अब सोच सकते हैं जिनका पेंशन 930 होगा उनकी आमदनी क्या रही होगी, और इतना लंबा चौड़ा परिवार चल कैसे पा रहा होगा। LIC करता चला गया। अचानक उसी दरमियान मन में एक अजीब विचार आती थी, चूंकि शादी ब्याह हो गया, बच्चे बड़े होते चले जा रहे थे, हमेशा एक बात की चिंता सताया जा रही थी कि इसका पढ़ाई लिखाई का खर्च कहाँ से होगा, बेटिया की शादी कहाँ से होगी, बेटा अच्छा स्कूल में पढ़ कैसे सकता, क्योंकि विकल्प कुछ था नहीं। कहने को 50 से 60 हज़ार महीने का LIC में आता। अगर इस हॉल में कोई भी LIC अभिकर्ता होंगे वो बखूबी जानते होंगे कि उसमें रेनुअल कलेक्शन में कितना पैसा लगता, कमीशन छोड़ के काम करनी पड़ती तो पैसा बचता क्या, देखने को आता लेकिन कुछ बचता नहीं था। काफ़ी मुश्किल से फैमिली चलता था। जब भी अपने सगे संबंधी सर्किल के पास जाते दोस्तों अपने आप को हीन भावना से ग्रसित समझते। LIC में एक मोटरसाइकिल,
लोन पे LIC दे चुकी थी, चूंकि क्लब मेंबरशिप का था। हमेशा रात में कभी कभी नींद नहीं आती थी 12 बजे 2 बजे तक, कि जिंदगी में आखिर हो क्या सकता, मैं कर क्या सकता हूं। इसी दरमियान हमारे जिंदगी में सेफसॉप एक वरदान बनकर गई, और वो दिन था 2 जनवरी 2014। दोस्तों जैसे ही मेरे ही घर पे आकर के मेरे ही कॉपी कागज पर इस प्लान को दिखाया गया, और जैसे मैंने ये प्लान देखा उसमें बताया गया यहां से आप कमा सकते हैं सप्ताह का 2 लाख। समझ में आया नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि सुबह से लेकर के रात तक लगभग 10 से 11 बजे रात तक काम करते करते मेरे पास कुछ बैंक बैलेंस नहीं हुआ करता। ये बोले कि जिंदगी में एक बार कोई प्रोडक्ट लेना है, दोबारा न कभी खरीदना है न कभी बेचना है, और आप यहां से कमा सकते हैं 10 सप्ताह का 2 लाख। मुझ में जितनी अपनी बुद्धि थी मैंने निगेटिव करना शुरू कर दिया, लेकिन भाई सामने वाले यहाँ तो ट्रेनिंग पूरा मिला रहता, पता चला नहीं। 350 का फॉर्म उस समय चलता था, मेरे से फॉर्म भरा लिया गया, मैं उस फॉर्म को भर दिया, सोचा चलो फॉर्म भरने के बाद मेरी मुक्ति मिल गई। लेकिन नेक्स्ट डे जैसे ही मैं तैयार हो गया LIC कस्टमर के लिए निकला, फिर सामने वाले आए। जानना चाहेंगे कौन थे? दोस्तों आज के डेट में सभी लोग उनके बारे में जानते, बिल्कुल एकदम सुलझे हुए व्यक्तित्व। आज उनकी वजह से आज अगर हमारे इस जिंदगी में यहां तक लाने में 90% सफलता, 90% क्रेडिट अगर किन्हीं शख्स को जाता, वो कोई दूसरे और नहीं, हम सभी के दिलों पे राज करने वाले मिस्टर सतीश कुमार सर। थैंक यू सर, थैंक यू। काफी सर ने समझाया बुझाया, और इनके साथ हमारे LIC के एक अभिन्न मित्र हुआ करते थे मिस्टर नरेंद्र जी, वही इनको लेकर के आए थे। तो हम डर से इस पूरे पेमेंट को कर दिए, प्रोडक्ट ले लिए, क्योंकि LIC में हम फॉर्म वगैरह भरते नहीं, केवल LIC करना, उनको देना, रिन्यूअल कलेक्शन करना, रसीद कटाना, मेरे डेरा पर उनका रसीद पहुंचाना, सारा काम उनका था। तो मैं उन्हें बोला कि हम आपके डर से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी इस काम में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन सब टाइप के काम को करके आज तक किसी ने अपने जिंदगी को बदला नहीं। कागज पे करोड़पति बिल्कुल बनना आसान है। सर चुपचाप सुन रहे थे, जब बोले डर से ही सही, ठीक है आप दे दो, मैं ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद चला गया, कल होकर के मैं सोचा चलो मुक्ति मिली। मैं जब फिर तैयार होकर निकलने लगा कि एक और उससे ऊपर के रिंच, जो भाई यहां तो एक से एक आते, संजीव कुमार सर हमारे जिंदगी में आए, और सर आकर के अपना लैपटॉप खोले और कुछ कुछ दिखाना शुरू कर दिया, सारा ऊपर से जा रहा था। उसमें एक चीज काफी अच्छी लगी सर की, उस समय में बहुत दुबले पतले थे, और इन पर देखिए काफी फूल माला पड़ रहा है, इंद्रालय के पोड़ा में ये एंकरिंग कर रहे थे। हमको लगा अगर एक प्रोडक्ट लेने से इतना मान सम्मान मिले तो कुछ काम कर लेना चाहिए। मैंने सहमति दिया कि ठीक है सर, काम तो बढ़िया है। तो सर ने हमें ट्रिपल ID समझाना शुरू कर दिया, तो अच्छा लगा। जोड़ घटाओ करके बताया कि मात्र 4,500 देना है, आपको 3 ID मिल जाएगा। हम बोले ठीक है कर दिए। बोले रुकिए, पहले डायरेक्टर साहब से बात करनी पड़ेगी कि अब आपका हो सकता है या नहीं। और सर ने मोबाइल निकाला, मेरे बरामदा से नीचे गया और फोन लगा दिया, पता नहीं क्या क्या बात किया, ऊपर से आकर के पसीना पोंछते बोले हाँ मैंने आपके लिए पैर भी कर दिया, आप ट्रिपल ID ले सकते हैं। वो तो बाद में पता चला कि सतीश सर को बोले वो पेमेंट मत भेजिएगा, दोबारा रजिस्ट्रेशन करके ट्रिपल लगा देना है। लगाने के बाद काम करनी थी नहीं, मैं काम करना छोड़ दिया, काम करता नहीं था। हर संडे और फ्राइडे जब भी इन लोगों के माध्यम से हमें कॉल आता था कि आज आप आइए, एक दमदार लीडर का ट्रेनिंग होना है, यदि आज आप इस ट्रेनिंग को लेंगे पक्का आपके जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि काम करना था नहीं, मैं बोलता था पक्का आज आएंगे, सर आज तो कोई काम है ही नहीं, मैं आ जाऊंगा आपके पास, और मैं जाता नहीं था। हर संडे के सेमिनार में बोलते थे कि आज एक ऐसे लीडर का क्लोजिंग होना है कि जिस भी गेस्ट को लेकर के आप आएंगे पक्का उसकी DD मिलेगी। DD मिलता बाद में, मुझे जाना था नहीं। और ये कुछ दिनों तक चलता रहा। अचानक 26 जनवरी 2000 का एक समस्तीपुर में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, और अविनाश सर 24 तारीख को सर का कॉल आया, 22 तारीख को सर का कॉल आया। कॉल से बात बनी नहीं, सर हमसे मिले और बोले कि अंजनी जी जिंदगी में एक दिन आपको समय देना है, इसके बाद ना आपको कभी करना है ना कोई आपको कुछ कहेगा नहीं। हम सोचे चलो जब एक दिन करना है, और दूसरी बार जब ये स्टेशन मास्टर हैं सर हमारे पास आए, इतने बड़े उम्र के आदमी हैं और हम LIC अभी करता है, अगर सर का हम बात मान के एक दिन समय दे देंगे तो कभी सर के पास LIC करने जाएंगे तो सर भी मेरा एक बीमा ले लेंगे, तो मेरे जिंदगी में एक बीमा बढ़ जाएगा। मैं अब इस लोभ में इनको सहमति दे दिया। 26 जनवरी 2014 दोस्तों मेरे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, और आपको जान के आश्चर्य होगा उस दिन उस फंक्शन में दूसरे और कोई नहीं, हम सभी के कोच मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद सर समस्तीपुर UN पैलेस में प्रोग्राम को लेने आ रहे थे। और जिस स्टाइल में सर का वहां एंट्री और सर की बात मुझे लगी, लगा कि यहां से जिंदगी सच में बदल सकता है।
दिन भर उस प्रोग्राम को देखा। प्रोग्राम देखने के बाद कैसा क्या लगा आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन 26 तारीख के शाम में सर का फिर कॉल आया कि अंजनी जी आपको बिहार शरीफ अगर आप चाहें तो मेरे साथ चलें, क्योंकि ड्राइवर हम नया नया कार खरीदे, ड्राइवर मेरे पास है नहीं और आपको कार चलाने आता है। सत्येंद्र सर का प्रोग्राम है बिहार शरीफ में 28 जनवरी को, और अगर 27 को सर को छोड़ देंगे तो 28 का प्रोग्राम हो जाएगा। तो मुझे लगा कि भाई एक समस्तीपुर के रहने वाले इतने उम्र के लोग हैं, रेलवे स्टेशन मास्टर हैं, तो 10 लाख का बीमा इनका पक्का ही तो फिक्स हो जाएगा। और सर को जब लाइफ स्टाइल वहाँ हम देखे, सर की बात को सुने, इनका मान सम्मान देखे, और ये तो हल्का वाला सब है सर का और हमसे बहुत भारी भारी था, तो मन में सच में कुछ कुछ होने लगा। सोचे कि इनका तो बीमा 25 लाख से कम का हो ही नहीं सकता। हम दो प्रपोजल फॉर्म रख के सर को बोले सर डन, दो प्रपोजल फॉर्म रखे और 27 तारीख के सुबह में अविनाश सर के घर पे चले गए और बोले सर चलना है। हम लोग गाड़ी से निकले और बेगूसराय बार होते हुए बिहार शरीफ के लिए आए। सोचे कि सर को अब मोटिवेट करेंगे LIC के लिए, अब बात करेंगे, लेकिन आपको तो पता ही है जब अपने यहाँ का एक गोल्ड आपको फाड़ के रखता तो जब सर डायमंड थे तो मेरा क्या हुआ होगा। भाई हम लोग एक स्टेबलाइजर जहाँ पूरा पावर हाउस 5-6 घंटा साथ में रहने का मौका मिला, सच मानिए पूरा गर्म हो गए। सर पता नहीं क्या क्या बोल दिए, और हमारे एक अभिन्न मित्र थे जब भी इसको ज्वाइन किए थे उनको बोले थे कि भाई आप ज्वाइन करिए बहुत बढ़िया काम है, तो 2-4 लोग हमको नेगलेक्ट कर दिए थे। जिनको भी बोले कोई ज्वाइन मेरे से किया नहीं, सब बोलता था ये सब फंसने फंसाने का काम है, अंजनी जी बड़े मुश्किल से अपने जिंदगी को आप संभाल रहे हैं, कहाँ इन सब गलत चक्करों में आप पड़ रहे हैं, आप मार्केट में जी नहीं पाएंगे, आपका मार्केट में रेपो खराब हो जाएगा, बीमा भी आप नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको छोड़ चुके थे, लेकिन सर बोले कि आपको अपने आप पर भरोसा है। हम बोले सर जिस तरह आप बताए सच में वैसा अगर होता होगा तो भरोसा है कर सकते हैं। बोले आप विदेश जाना चाहते हैं? बोले हाँ पक्का जाना चाहते हैं, आज तक नेपाल नहीं गए। तो बोले कि जाकर के आप उसको बोलिए जो जो आपको मना किया कि आप यहां से कुछ नहीं कर सकते, मैं इस बार टारगेट फाइट करके विदेश जा रहा हूं। और दोस्तों 2 जनवरी को ज्वाइन किया था, 25 मार्च 2014 तक कंपनी का एक टारगेट आया हुआ था। सर जैसे ही बोले मैं वहां जाकर के बता दिया, और बोलने के बाद रात में सोचा मैं पंगा तो ले लिया, सामने वाला बोला अगर आप कर विदेश चल जाएगा तो आधा मुझ छिला लेंगे। आश्चर्य तो तब हुआ जब उसी गुस्सा में अपना तो टारगेट हो ही गया, मेरे टीम में फ्रेशर लेवल पे मेरे साथ 6 लोगों ने टारगेट फाइट किया। थैंक यू। और रेडिसन ब्लू में उस समय में ट्रिपल एस, पूरे ट्रिपल एस का एक ग्रुप का विनर्स ट्रिप हुआ करता, पूरे ट्रिपल एस में फ्रेशर लेवल पे मैं इंडिया का टॉप बना और बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड। आज माधव सर हमारे सामने बैठे हैं, शायद सर को याद होगा नहीं लेकिन पहला दिन सर हमें बेस्ट प्रो का अवार्ड देकर के हमको सम्मानित किए थे। सर उसी दिन कसम खाए कि डायमंड पक्का बनना है, और जब एक सिल्वर को बेल्ट मिला वो डायमंड बना। सर ने आज फिर डायमंड पर बेल्ट पहना दिया, आगे आपको बताएंगे नहीं। 2018 समाप्त होगा, 19 में क्या होगा ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं। दोस्तों वाकई में पूरे हिंदुस्तान में एक बात तो इस स्टेज से कमिटमेंट करता कि सच में अगर आप सभी का साथ रहा, हमारे मेंटर लोगों का आशीर्वाद रहा, तो सारे अपलाइन को छोड़ने के बाद इतिहास पर इतिहास अगर बनेगा तो अंजनी कुमार झा का बनेगा आप लोग के वजह से, और पूरा हिंदुस्तान इस बात का गवाही देगा। लेकिन आप लोग को मेरा साथ देना होगा, आप लोग तैयार हैं? वहां से आने के बाद जब टारगेट फाइट करके आया, जब नंबर 1 हुआ उसके बाद लालच में आ गया, टारगेट फाइट होता चला गया, काम होता चला गया। 2014 और 15 जबरदस्त काम हुआ। अजीत जी ने अभी आपको आकर के बताया कि हम लोग साथ साथ थे और पीठ भारी था, अचानक कुछ हादसा इस तरह का हुआ कि मेरा कई टोपाज और कई पर्ल सिस्टम को एक तरह से मानिए कि वे क्विट कर गए, काम करना छोड़ दिए, मैं बिल्कुल जीरो पे आ गया। हालांकि आज पहली बार इस स्टेज से बता रहा, हमारे टीम में भी किसी को पता नहीं कि एमरल्ड बनने के बाद मेरी टीम पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन फिर काम करने की शुरुआत किया। सर लोगों का आशीर्वाद रहा, सर लोग मदद करते चले गए, काम करने की शुरुआत किया, और इस 2018 में मैं आज डायमंड बना हूं। दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 2014 को ज्वाइन किया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे नेटवर्क में आज 30% से ज्यादा लोग डायमंड बन चुके हैं, क्योंकि फर्क तो तब पड़ेगा जब सैकड़ों डायमंड का बेल्ट सर लोगों को पहनाना पड़ेगा। पहनाते पहनाते थक जाएंगे, कहां बिहार 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 बिहार, और हम लोग एक इतिहास बना के रख देंगे।
दोस्तों काम होना शुरू हो गया। जब पहले तिमाही में काम हुआ, मन का विश्वास बढ़ा, 7 महीना इस सिस्टम में ईमानदारी से काम किया, जहां मैं 7 साल LIC में अथक मेहनत करने के बाद मुश्किल से 50 से 60 हजार महीने का कमाता था। धन्यवाद देता इस सिस्टम को कि 7 महीना में उस इनकम को बीट कर यहां से ज्यादा पैसा कमाने लगा। मन का विश्वास और बढ़ता चला गया। 14 महीना इस काम को करने के बाद, जहां मैं 10 साल डॉक्टर साहब के कार को साफ किया, मैं फिर आपको बताऊं आज जो कुछ भी हूं डॉक्टर साहब के वजह से, मेरी पहचान, मेरी सर्किल, जो कुछ भी हुआ वहां से हुआ, क्योंकि मंजुला मैडम ने कभी मुझे स्टाफ नहीं समझा, एक छोटा भाई समझ करके मेरा साथ देते चले गए और आज उनके वजह से यहां तक आया। जो सर्किल मुझे मिला वहीं से मिला, लेकिन 10 साल में जो सपना पूरा नहीं हुआ, 14 महीना इस सिस्टम में काम किया और अपने घर में, अपने खानदान में सबसे पहला कार i20 एक्टिव, हालांकि छोटी सी कार अभी है, मेरे घर में आया। जिस दिन वो कार मेरे घर में आई, यकीन मानिए मुझे लगा मैं हेलीकॉप्टर परचेज कर लिया। चूंकि मेरे पिताजी पूरे जिंदगी बगैर मोटघाट के साइकिल पर व्यतीत किए, हमारे खानदान में कोई नया मोटरसाइकिल खरीदा नहीं था, और अगर मेरे घर में कार आई, सच में मुझे लगा कि मैं हेलीकॉप्टर ले लिया। 17 तारीख विश्वकर्मा पूजा के दिन 2015 में ही एक क्रेटा टॉप मॉडल अजीत जी ने लिया, मेरे घर में 2 कार हो गया। दोस्तों लगभग 23 लाख का कार 15 महीना के अंदर मेरे परिवार में आया, मन का विश्वास पूरा बदल गया, काम करने की शुरुआत करी। आज अगर बात करूं तो हिंदुस्तान में बहुत सारे जगह को तो घुमा ही घुमा, दोस्तों विदेश जाने का मौका, ये थाईलैंड बैंकॉक पटाया छोड़िए, अभी हांगकांग और मकाओ 2016 में सर लोगों ने ले गया था। जिस होटल में सर लोगों ने रखा, उस होटल में एक रात का किराया था 86,360 रुपया। 4 दिन वहां रहने का मौका मिला, जिंदगी लगी कि लाजवाब हो गई। आज हजारों का नेटवर्क है, आज अगर इनकम की बात करूं तो लाखों का इनकम है। दोस्तों काम करने के साथ शुरुआत जब किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप केवल सिस्टम ईमानदारी से अगर डटे रहते हैं, जैसा कि सर लोगों ने मुझे बताया। दोस्तों अगर इनकम की बात करूं तो पिछले सप्ताह का भी इनकम, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं हो पाया, इस बात का दुख रह गया, मात्र 1,88,000 रुपया। सॉरी सर, 12,000 से कैपिंग छूट गया, उसको पूरा नहीं कर पाया, दुख इस बात का जरूर रहा, लेकिन भरोसा करते दिलाते हैं दोस्तों, चाहे वो कैपिंग एचएवर की बात हो, ज्यादा डायमंड बनाने की बात हो, कम दिनों में तरक्की लेने की बात हो, कोई भी बात हो, अगर सर लोग का आशीर्वाद केवल बना रहे, हर रिकॉर्ड पूरा होगा और आप सभी के घर में होगा, इस बात की चिंता नहीं करनी है। जिंदगी बहुत बदतर थी, क्या थे हम लोग ये आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन सच बताते हैं, आज सेफ सॉप ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, विश्वास करिए वहां से उठाकर वहां तक इस अपॉर्चुनिटी के वजह से चला गया। दोस्तों आज जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं, कभी जो सपनों में सपना आया नहीं था, कभी सोचा नहीं था जिंदगी कहां तक चली जाएगी, कभी अपने खान नेपाल जाने का नहीं सोचा, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि अभी विदेश अमेरिका का टारगेट फाइट हुआ और सर लोग के वजह से USA भी जाऊंगा जब सर लोग लेके चले जाएंगे। कभी सोचा नहीं था हम लोग के घर के लिए विदेश कभी मुजफ्फरपुर, दरभंगा या पटना हुआ करता था, कभी दिल्ली और कलकत्ता हम लोग के लिए विदेश होता नहीं था, लेकिन आज विदेश लगता जैसे कि दिल्ली फ्लाइट से आए हैं और कलकत्ता आए हैं, उस तरह से आज विदेश हो चुका है। आज पैसे की कोई दिक्कत नहीं, आज जिंदगी मस्त चल रही, घर परिवार के लोगों में आंखों में एक जबरदस्त चमक है, आज अपने इलाके में भी एक अच्छी पहचान है। यह सब कुछ अगर संभव हो पाया सिर्फ और सिर्फ सेफ सॉप ऐसी अपॉर्चुनिटी और ऐसे दमदार अपलाइन की वजह से। दोस्तों इसके बारे में जो भी बोले वो वाकई में कुछ भी नहीं, बिल्कुल कम होगा। हाँ दिक्कतें परेशानी आई, मेरे साथ भी कठिनाइयां आई, लोग मुझे भी मना करते थे, काफी मशक्कत करने के बाद जब लोग ना बोलते थे बुरा लगता था। दोस्तों इतना मेहनत करने के बाद भी जब सफलता नहीं मिलती थी तकलीफें होती थी, कभी कभी काम करते थे, कभी कभी नहीं भी करते थे, लेकिन हमारे अपलाइन हमें समय समय गाइड करते चले गए। सर ने सिर्फ 2 ही बात बोला कि अंजनी जी अगर इस सिस्टम में डायमंड बनना है, सच में अगर खानदान का इतिहास बदलना है, अगर आप चाहते आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, यदि आप अपने पूरे माँ बाप की सपना को पूरा करना चाहते, केवल इस सिस्टम में बने रहना, सिस्टम में सिस्टम के हिसाब से बने रहना, कभी अपना अक्ल मत लगाना। आज दुख के साथ कहना पड़ रहा, मैं भी दिमागदार आदमी था, जब तक समझदारी से काम किया तरक्की होती चली गई, एमरल्ड बना, लेवल बदल गया, नेटवर्क आया, दिमाग लगाना शुरू कर दिया, सोचा मेरे पास ही 2500 का टीम, सर कुछ भी बोलते थे तो मैं अपना दिमाग थोड़ा सा लगा ही देता, और वही थोड़ी सी दिमाग
मुझे बहुत पीछे धकेलती चली गई और कभी महसूस नहीं किया। लेकिन जिस दिन से फिर अपना दिमाग लगाना बंद किया, सरलों का दिमाग लगने लगा, आज तरक्की पर तरक्की होनी शुरू हो गई, आज रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनता चला गया। तो मैं एक मैसेज स्टेज से जरूर दूंगा, क्योंकि हम लोग अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग फील्ड के होते हैं और हर आदमी अपने क्षेत्र के अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते, कोई डॉक्टर होते, कोई इंजीनियर होते, कोई वकील साहब होते, हर आदमी के पास अपना ब्रेन होता। लेकिन दोस्तों अगर आप इस सिस्टम में आते तो जैसा हमारे गुरु लोग बोलते हैं कि जितना समझाए अपलाइन आप केवल समझ जाइए, काम मजे में होगा, दिमाग लगाएंगे आपका नुकसान होगा। मैंने वैसा भुगता और हम नहीं चाहते कि हमारे लोग वैसा भुगते, इसलिए हमने तो दिमाग लगाना बंद कर दिया। अब सिर्फ एक दिमाग लगता और वो होता सिस्टम और अपलाइन का। लगातार संडे का सेमिनार, फ्राइडे का ट्रेनिंग, संडे का सेमिनार, फ्राइडे का ट्रेनिंग। सर लोगों ने बोला कि केवल आप ऐसा करते चले जाइए, जिंदगी में परिवर्तन तो आएगी ही आएगी। और यकीन मानिए, लगातार संडे का सेमिनार और फ्राइडे की ट्रेनिंग करता चला गया और जिंदगी कब कहां से कहां चला गया यह समझ में भी नहीं आया। इस सिस्टम में मैंने दो ही बात सीखा कि जो भी ज्वाइन करने के बाद केवल दो काम करेगा, एक लगातार संडे का सेमिनार और फ्राइडे की ट्रेनिंग। और जिंदगी में एक बार किसी डायमंड को अपनी आंखों से बनते अगर कोई डायमंड कोई देख ले और एक बार दिशा वर्कशॉप में चला जाए। मैं इस स्टेज से दावे के साथ कहता, आपके ऐसे दमदार लोगों को 4 साल लगेगा नहीं, आप केवल संडे का सेमिनार, फ्राइडे का ट्रेनिंग और एक बार डायमंडशिप और दिशा अपने टीम को कराते चले जाइए। केवल दिशा और डायमंडशिप कराते चले जाइए, संडे फ्राइडे लगातार करते चले जाइए। आप आज आपकी स्थिति क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आने वाले 3 साल बाद ये स्टेज आपका इंतजार कर रहा होगा। आज आपकी जगह जहां मिली हो, आज कहीं भी आप बैठे हो, किसी जगह पर हो, थैंक यू, आज इस हॉल में किसी भी कोना में आप बैठे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वाकई में अगर आप केवल ये दो काम करते चले गए, जिंदगी मस्त चलने लगेगी। हमने भी राकेश सर का डायमंडशिप देखा था, ज्वाइन करने के बाद हमारे अपलाइन लोगों ने जबरदस्ती पकड़ के सूर सदन में सर का डायमंडशिप हुआ था और सर तो हाइट हो गया, दिल फाड़ करके बाहर निकल गए, आंख फटी तो फटी ही रह गई। और उसी दिन लगा कि यार अगर इस तरह का डायमंडशिप होता, ऐसा जिंदगी अगर मिलता तो एक बार डायमंड बनना जरूर चाहिए। और उसी दिन कसम खा लिया था कि डायमंड बनेंगे। और वो दिन था 7 मार्च 2014। उसके बाद दिशा गया, सिस्टम के हिसाब से चलता चला गया। दोस्तों सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा, यदि आप सिस्टम के हिसाब से चलते चले जाएंगे वाकई में जिंदगी लाजवाब हो जाएगी। बाकी आज हमें बताना कुछ नहीं, आज बताने के लिए तो हमारे गुरु लोग यहां बैठे हुए हैं, आज हमें भी कुछ सीखना है। लेकिन एक बात जो मैंने सिस्टम और अपने अपलाइन से सीखा मैं इस स्टेज से जरूर बताऊं, अगर परमिशन हो सर 2 मिनट। मैंने ये सीखा कि दोस्तों बदलते वक्त के हिसाब से यदि आप अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे, या तो मिट जाएंगे या बिक जाएंगे। जैसे एक जमाना HMT घड़ी, LML भेस्पा, राजदूत मोटरसाइकिल, एम्बेसडर कार, नोकिया मोबाइल, कोडक रील, एक वक्त था पूरे दुनिया पर इन सबका अपना एक अलग प्रभाव था या नहीं? आज है क्या? आज यदि कोई आपके यहाँ राजदूत से आएगा तो बोलिएगा कि अरे इतना गरीब आदमी आज भी ये बाइक राजदूत से चलता। जमाना तेजी से बदलता चला गया, उन्होंने अपने आप में अपडेट नहीं किया, मिट गए या बिक गए। दोस्तों आज वक्त बदल रहा, यदि इस बदलते वक्त के हिसाब से चाहे इस हॉल में बैठे हर शख्स, आप कोई भी काम करते हो, सरकारी नौकरी करते हो, प्राइवेट नौकरी करते हो, दुकानदार हो, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट्स हो, हाउसवाइफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने सारे काम को करने के साथ साथ केवल इसमें बने रहने का, टिके रहने का एक निर्णय जब लिए हैं तो 4 साल कसम खा लीजिए, चाहे स्थिति जो भी हो, 4 साल सिस्टम को क्विट करेंगे नहीं। और यदि आप 4 साल इस सिस्टम में केवल टिक गए, डायमंड बनना बच्चों का खेल है, सच में आप रोक नहीं सकते। डायमंड तो सिस्टम आपको बनाती, नेटवर्क आपको बनाता, डायमंड तो आप पक्का बन सकते हैं। क्या अपने आप को बदलने को तैयार हैं? तैयार हैं? तो यदि आप अपने आप को बदलने को तैयार हैं तो इस बदलते वक्त में सेप्स ऑफ ऐसी अपॉर्चुनिटी। दोस्तों मैं तो इसे कंपनी नहीं मानता, मैं तो सीधा मानता कि पूर्व जन्म में मैंने जरूर कोई अच्छा कर्तव्य किया था कि इस जन्म में आने के बाद, इस उम्र में आने के बाद सेप्स ऑफ ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मेरे जिंदगी में आया, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। दोस्तों जहां मैं, मेरा एक बचपन से शौक था, क्योंकि हर छोटे बच्चों उम्र में एक शौक होता, तो मैं हाथ में एक धागा बांध के चलता। कुछ बड़ा हुआ तो मेला में पिताजी से 5 रुपया मिलता तो मैं बाला खरीद लेता था। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, जहां सेप्स से पहले तक मैं 25 रुपया का स्टील का बाला पहना करता था, लेकिन आज अगर इस कलाई में बाला भी आती
तो 1,30,000 रुपए की। ड्यू टू सेप शॉप अंगूठी जहां स्टील का हुआ करता, बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ ही सकते होंगे, हॉलमार्क से नीचे का कोई बात होता नहीं। अगर आज गला में एक चैन भी, वो भी 1.5 लाख से ऊपर का हुआ करता। आज मोबाइल फोन भी, जहां 4,000-5,000 के मोबाइल फोन से पूरी जवानी लगी कट जाएगा, लेकिन आज अगर अपने पास मोबाइल फोन भी है तो दुनिया के सबसे महंगा ब्रांड और अब तक मार्केट में जो सबसे महंगा उपलब्ध, वही उसी फोन का इस्तेमाल करता हूं, सेफ शॉप की वजह से और दमदार अपलाइन की वजह से। एक जमाना था जहां मेरे पास घड़ी HMT, बाबूजी जिस घड़ी को चला चला के पुराना कर दिए थे, HMT का घड़ी, शायद पिताजी को याद भी नहीं हो, और वो घड़ी हमारे हाथ में कम और गणेश चौक पर में एक गणेश वाच को था वहां ज्यादा रहती थी। शादी हुई, एक घड़ी मिला, लेकिन आज इस सेफ शॉप की वजह से, इस सिस्टम और अपलाइन की वजह से हाथ में अगर घड़ी भी है दोस्तों, 1,46,600 राडो कंपनी की घड़ी। ये 2 मिनट समय ज्यादा नहीं बताती, ये भी समय उतना ही बताती, लेकिन एक वो घड़ी होता जो केवल समय बताता था, और आज इस कलाई में जो घड़ी है, ये घड़ी नहीं, ये मेरा समय बता रहा। ये फर्क सेफ शॉप की वजह से मिला, इस अपॉर्चुनिटी की वजह से मिली। क्या सच में अपने जिंदगी में आप परिवर्तन चाहते हैं? दोस्तों आज आप कहां हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले 3 से 4 साल बाद आपकी जिंदगी एक आम से खास बन जाएगी। आप केवल सिस्टम का हाथ मजबूती से पकड़े रहिएगा, सेफ शॉप पर विश्वास करिए और अपने अपलाइन पर भरोसा करिए और अपने आप पर भरोसा करिए। आप केवल अपने आप पर भरोसा करके चलते चले जाएंगे, जिंदगी पक्का वहां तक चली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता आज पूरे समाज के लोग आपको क्या बोलते। अरे पूरा दुनिया जहां राइट ब्रदर्स को पागल बोला था, ये पागल बना था, लोहा नहीं उड़ सकता। एक शख्स को अपने आप पर भरोसा था, लोहा उड़ा। उड़ा या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता जिस समाज में आप रहते, जिस माहौल में रहते, जिस परिवेश में आप पलते बढ़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको क्या बोलते। लेकिन यदि आप अपने आप पर भरोसा करते चले जाएंगे, यदि सिस्टम पर भरोसा करेंगे, इस दमदार अपलाइन पर विश्वास करेंगे, विश्वास करिए आपकी भी जिंदगी वहां से वहां, यहां से वहां तक चली जाएगी। केवल फ्रंट में बैठे सारे लोगों पर आपको यकीन करना है। कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों, वक्त बहुत कम है और सीखना बहुत कुछ है। आज हमारे दमदार गुरु यहां बैठे हैं, वाकई में आज का दिन हम सभी के जिंदगी का ऐतिहासिक दिन होगा। एक बात तो मैं इस स्टेज से जरूर कमिटमेंट करूंगा, ये आज यदि आप तन मन से इस हॉल में बैठे हैं, तो आज जहां भी जगह मिला कसम खाना है कि डायमंड तो पक्का बनना है, और 4 साल बाद आप यहां बनेंगे। और आज तक यदि मैं इस काम को यहां तक करके आया, और आज सच में यदि भगवान हमसे खुश होकर के, हमारे अपलाइन अगर खुश होकर हमको एक आशीर्वाद दें और देना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ आज एक ही बात मांगूंगा कि सर और ऊपर वाले खुदा, हे परमेश्वर, हे भगवान, जिस भी रूप में आप उनको मानते, कि सच में यदि आप मेरे काम से प्रसन्न हैं और आप हमको कुछ देना चाहते, हमारे जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते, हमें भी यहां से वहां तक जो खुशियां दिया उसमें यदि 4 चांद लगाना चाहते, तो इस हॉल में बैठे हर शख्स को डायमंड जरूर बनाना, डायमंड बनाना, डायमंड बनाना, डायमंड बनाना, पक्का डायमंड बनाना। और यही कमिटमेंट, यही सुमित के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड सक्सेस।